तो बेसिकली हम लोग ने कल जो प्रॉपर्टी कवर की थी उसमें से स्पेलिंग एंड लोकेशन मैंने आप लोग को डिस्क्राइब किया था। उसमें स्पेलिंग और लोकेशन पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताए थे, क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक है, देन अभी क्या करना है मेरे को, अपने उसी सेम प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी के नाम से जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है उसी पे ही हम काम करेंगे। ओके किया, इग्नोर किया। ठीक है, सो विंडो मेकर सबसे पहले सभी को पता है, मैं रिवाइज करता चल रहा हूँ साथ में। तो ये विंडो है एंड लोकेशन मैंने आपको कल बताया था लास्ट में। फाइनली आपको लोकेशन प्रॉपर्टी मैंने इस पे के क्वेश्चन भी करके आपको दिखाया था। तो सभी लोग को विजिबल है ना, कोई दिक्कत किसी भी तरह का ना, मतलब वॉइस वगैरह क्लियर है, दिख रहा है सबको, स्क्रीन विजिबल है। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन ये था लास्ट टाइम, तो रन टाइम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि जैसे कि ये जो हमारा एक पिलर है ऊपर, पिलर जो है वो हमारे टैंक के, ठीक है, ये जा रहा है से और ये फिलिंग हो रही है। ठीक है, एक फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अब एक सेकंड क्वेश्चन आपको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ जो कि लोकेशन पे बेस्ड है ये। ठीक है, फिलिंग प्लस लोकेशन पे क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हेलो हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। बेटा स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है आई थिंक, मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। स्क्रीन बेटा एक मिनट, क्या हो रहा है, स्क्रीन शेयर है स्क्रीन ना, शेयर हो रही है बताइए सर। अभी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, स्क्रीन तो शेयर्ड है, ऑलरेडी शेयर्ड है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, बट तो सर मैं विजिबल स्टार्ट कर नहीं रहा हूँ। विजिबल नहीं है, रीशेयर कर देता हूँ, शेयर माय स्क्रीन, देन क्लिक। ठीक है, फिर से मैंने एक बार रीसेंड कर दिया है, रीशेयर कर दिया है, देख लीजिएगा, फिर कोई इश्यू हो बताइएगा। तो अब क्या करना है मेरे को बता देता हूँ। देखिए एक स्लाइडर को ब्लैक स्क्वायर आप, क्यों नहीं हाँ करते सर? स्लाइडर भी तो बताइए। हम सिंबल फैक्ट्री से लेते तो उसको सेल ब्रेक क्यों नहीं करते? ना 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 ना, सिंबल फैक्ट्री से किसने ले लिया ना, सिंबल फैक्ट्री से नहीं लेना है। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे जाइए विजार्ड पे, अरे विजार्ड दिस इज नॉट अ सिंबल फैक्ट्री है ना, इसके अंदर हाँ आपको सर, ऑप्शन विजार्ड से मिलेगा। लेते हैं। हाँ ठीक है ना, तो विजार्ड में तो बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल फैक्ट्री के अंदर जब आप जाएंगे यहाँ पे, उसको ही आपको ब्रेकफर करना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, और कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा, इसी तरह से कोई इशू नहीं है, सबको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये चार ब्लॉक हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक है, ये चार ब्लॉक हमने यहाँ पे ले लिए हैं, और इस तरह से हम इसको प्लेस कर ले रहे हैं यहाँ पे ऐसे। और आफ्टर प्लेस, अब देखो क्वेश्चन ये है, जो कल हमने सिर्फ फिलिंग पे काम किया था, इसमें आप लोग को याद होगा कि कल हम क्या कर रहे थे, सिर्फ फिलिंग कर रहे थे। अब हम फिलिंग के साथ साथ क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब लोकेशन भी अप्लाई करेंगे इसको, इस पे लोकेशन भी अप्लाई करेंगे, सिर्फ फिलिंग ही नहीं होगी यहाँ पे, साथ में लोकेशन भी हम इस पे अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे है, सबसे पहले मैं आपको अल्टरनेट वाला करके दिखाता हूँ। अल्टरनेट सेम सेम तो आप कर ही सकते हो, वो भी आप करके देख लेना, बट मैं आपको क्या करूंगा यहाँ पे अल्टरनेट वाला शो करके दिखा रहा हूँ कि एक एक करके ब्लॉक्स मूव होते जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको जाना है वर्टिकल पे जाना है, टैग नेम ऑलरेडी आपने सेट कर रखा है, शुरुआत हमारी होगी 0 से होगी, 0 से 25, इसलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें 4 स्टेप में कवर करना है, 4 स्टेप में कवर करना है, और ये रहेगा आपके तरफ इनिशियली ये टैंक खाली है, इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट दे रहा हूँ। फिलिंग के साथ साथ मैं लोकेशन भी लगाऊंगा, ठीक है, तो अभी मैं फिलिंग प्रॉपर्टी दे रहा हूँ वर्टिकल में भी, आप इसी तरह से
आप जितनी बार इसको परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपके लिए है, प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो लेफ्ट और अप दो प्रॉपर्टी साथ में हम दे देंगे, ये तो खैर फिलिंग का काम हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, लोकेशन पे भी फोकस करना है। तो देखिए ये तो हमारी फिलिंग परफॉर्म हो रही है, बट हम चाहते हैं कि लोकेशन भी इसमें अप्लाई करते हैं हम। तो देखिए आप लोकेशन कैसे अप्लाई करेंगे, वर्टिकल पे जाएंगे, टैग नेम ऑलरेडी आपने दे रखा है, बॉटम से हमें टॉप की तरफ जाना, तो बॉटम यहाँ पे 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लीजिएगा। 25, 0 से 25 में आपकी तरफ रहेगा, और एक एक कॉमन वैल्यू हम 100 100 सबको असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल पे गए, वर्टिकल में हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ध्यान से दिएगा, इसमें आपको हर तरह की वैल्यू देना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है, लेकिन 0 से 25 के बीच में। बट इन वैल्यू जो हमने दिया है यहाँ पे 100 वैल्यू दी है, कॉमन 100 वैल्यू फ्रॉम 0, यानी 0 से अपनी इनिशियल वैल्यू से ये 100 मूव कर जाएगा, पिक्सल 100 पिक्सल्स मूव कर जाएगा। कब? जब हमारी स्लाइडर की वैल्यू पहुंचेगी 25 पे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, आइए चेक कर लेते हैं इसको। देखिए ये मैं चाह रहा था कि जैसे पहला है फिलिंग के साथ साथ ये मूव भी कर रहा है। ठीक है, 25 में ये हमारा मूव कर चुका है, जो हमने अकॉर्डिंग टू जो हमने पैरामीटर सेट कर रखा है। इसी तरह से हेलो, हेलो सर, हेलो सर, स्क्रीन ब्लैक हो गई। चली गई सर, चले गए लगता सर का माइक तो ऑन दिखा रहा है। तो देखते रहो। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो ये मैं आपको मैंने अभी तक के ये चारों करके दिखाया है मैंने, इसमें फिलिंग विद लोकेशन के साथ में। ये देखिए आप लोग बीच में थोड़ा बोलते रह करिए तो पता चल जाएगा, या ग्रुप में बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम आया ऐसी, क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये मैंने प्रॉपर्टी सेट की है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आप लोग देख लेंगे जो मैंने किया है इसमें। ठीक है, अब लास्ट अभी इसमें रिमेनिंग एक है। ठीक है, एक लास्ट रिमेनिंग है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ करके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? कोई इश्यू हो, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हेलो, सर आ रही है? हाँ ठीक है, यस सर, ओके। पर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। हेलो, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ, मतलब लास्ट वाला जो अपना ये रिमेनिंग वाला है, ठीक है, इस रिमेनिंग वाले को क्या करना है, वर्टिकल में क्या करना है, मेरे को डाउन प्रॉपर्टी देना है। ठीक है, डाउन जाएगा बट स्लाइडर की वैल्यू जो रहेगी अपनी वो 75 to 100 के बिटवीन रहेगी। ठीक है, 75 to 100 के बिटवीन रहेगी, क्योंकि डाउन रहेगा, और साथ ही साथ ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। ठीक
लेफ्ट के जो वैल्यू रहेगी वो 100 एंड 0, ठीक है। इसके अपार्ट ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 75 मिनिमम हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 100, ठीक है, 75 मिनिमम हो गया। तो मिनिमम के अकॉर्डिंग देखा जाए, और अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आप फिलिंग की प्रॉपर्टी भी असाइन कर दिए सेम इसी तरह से, क्योंकि डाउन की तरफ फिलिंग होगी, मिनिमम वैल्यू हो गई इसमें 75, मैक्सिमम हो गई इसमें 100, ठीक है, डाउन रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मिनिमम इसमें हो जाएगा इसमें जीरो, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, मिनिमम होगा 75 और मैक्सिमम कितना होगा 100, ठीक है। और बाद में जिस कलर से आप इसको फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर असाइन कर दीजिए, ठीक है, कलर दे दिया मैंने। अब चेक कर लेते हैं ऑनलाइन जाके, ये देखिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी डायरेक्शन में चेंज, मतलब आप मूव करा सकते हैं, ठीक है। लोकेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं। हेलो सर, हाँ बताइए जी, बताइए। ये प्रोग्रामिंग फिर से मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है सर, एक बार आप लोग चेक कर लिए। हाँ ओके ओके, कोई नहीं, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ इसको। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक है इसमें आपको देना है 0 से 25 में टॉप जाना। देखिए दो चीजें हैं, आपको पता है कि इस ब्लॉक को टॉप जाना है और साथ ही साथ जाना है इसमें लेफ्ट, ठीक है। तो वर्टिकल में मैंने इसको टॉप की प्रॉपर्टी असाइन कर दी 0 से 25 के बिटवीन में, ठीक है, और ये आपका हो गया 100, ठीक है। 100 एक कॉमन वैल्यू दे दी मैंने, 100 क्या है, एक कॉमन वैल्यू दे दी है। तो वो कॉमन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो होगा वो, ठीक है, 0 से 25 में ये आपकी तरफ जाएगा, 100 पिक्सल्स मूव कर जाएगा। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 0 से 25 में ये 100 मूव करेगा, 100 पिक्सल्स मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये पहले वाले ब्लॉक को देखिए, 0 से 25 में ये हो रहा है, पर 100 मूव कर गया, ये 100 पिक्सल था, इतना 100 पिक्सल मूव कर गया 0 से 25 में सर, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन देख लीजिए, 25 से 50 अप जा रहा है, 100 कॉमन वैल्यू ले ली है पिक्सल्स के लिए, ठीक है, और स्लाइडर की वैल्यू हमने 25 से 50 के अलाउंग कर दी है। इसके अलाउंग अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, हाँ, और हॉरिजॉन्टल में क्या करना है मेरे को, राइट हैंड साइड जाना है। तो देखिए आपको जिधर मूव करना है, आपको जिधर जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको राइट हैंड साइड जाना था तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम क्या दी है, राइट पे दी है ना। मैक्सिमम वैल्यू 0 और 100 में मैक्सिमम क्या है, 100 है, तो वो कहाँ पे, राइट साइड पे। इसी तरह से 25 मिनिमम हो गया, 50 हो गया मैक्सिमम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव कर गया। थर्ड वाले को आप दे सकते हैं 50 to 75 के बिटवीन, ये देखिए 50 to 75 बिटवीन डाउन जा रहा है और साथ ही साथ ये जा रहा राइट, दो प्रॉपर्टी सेम टाइम पे डाउन और राइट 50 to 75 के बिटवीन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, ये देख लीजिए थर्ड वाला, ये थर्ड वाला क्या है 50, यहाँ पे आप देखिएगा 50 to 75 जो हमने वहां पे वैल्यू सेट की है 75, और 75 to 100 ये जो लास्ट वाला है 75 to 100 के बिटवीन, ये वाला क्योंकि बॉटम जा रहा है तो बॉटम की तरफ मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी हमारी बॉटम के साइड यानी डाउन के साइड पे। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ये राइट हैंड साइड रहेगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो पिक्सल की वैल्यू है वो 100 दे रखा है, मैक्सिमम स्लाइडर की वैल्यू है वो 100 है, 75 से 100 के बीच में है, देन ओके, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन लोकेशन प्रॉपर्टी पे, ठीक है। किसी को कोई डाउट समझ में आ गया है इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि स्लाइडर के साथ साथ चारों
जो हमारे होते हैं ब्लॉक्स, ठीक है, मूव कर रहे हैं, डायगनली मूव कर रहे हैं चारों दिशाओं में, ऑल फोर डायरेक्शंस, ठीक है, विद कलर फिलिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया? Got it? Yes, sir. Okay, 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 fine. बस चेक कर रहा था कि आप लोग ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाएं सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये देखिए, फिलिंग पे दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लोकेशन पे दो क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से अपना जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आज मैं आपको एक नई प्रॉपर्टी बताऊंगा इसमें, उसका नाम है ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज। ये है अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट साइज है, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट साइज के लिए भी आपको यहाँ पे एक स्लाइडर लेना पड़ेगा, ठीक है। स्लाइडर ले लिया मैंने, ऐसे कोई भी वर्टिकल स्लाइडर ले लिया, जैसे कि अभी तक के हम लोग शुरू से फर्स्ट क्लास से लेते चले आ रहे हैं, डबल क्लिक करके टैग नेम असाइन कर देते, सेम टैग नेम ए ले लिया, ओके किया। ओके करके टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद आप टेक्स्ट में चले जाइए ऐसे, देन यहाँ पे क्लिक करिए और हैश लीजिए, ऐसे लेते हैं बस, यहाँ पे हैश ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, एक हैश, एंड डबल क्लिक असाइन टैग नेम। अच्छा, हैश पे क्या करेंगे, यूजर इनपुट में जाके एनालॉग वैल्यू असाइन कर देंगे, यहाँ पे भी टैग नेम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ओके करके हम एक बार, अब देखिए क्वेश्चन, सॉरी प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, सपोज एक ऑब्जेक्ट में आपने एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक रेक्टेंगल या ट्राइंगल कुछ भी ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और इसको मुझे प्रॉपर्टी देना है, कौन सी प्रॉपर्टी है ना, ऑब्जेक्ट साइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट साइज। सबको सुनाई दे रहा है ना, कोई इशू नहीं है, समझ में आ रही है, आवाज आ रही है सबको? हेलो, यस सर, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट साइज हम आपको बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट साइज से क्या समझ रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में दो तरह से वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, या तो हाइट कम ज्यादा होगी या तो उसकी विड्थ कम ज्यादा होगी, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है ये। अब हम लोग बट SCADA के अंदर कैसे इसको अप्लाई करेंगे ये देखें। हाइट पे आ गए, एक्सप्रेशन में सभी को पता है हमें टैग नेम देना है, विद टैग नेम ए हमने असाइन कर दिया है। मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम हाइट है जीरो, जब स्लाइडर की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे हाइट क्या है, जीरो है, ठीक। जब स्लाइडर हमारा 100 पे पहुंचेगा वैल्यू हो जाएगी 100, बट इट, समझ में आ गया सबको, कोई इशू? अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर वो ये कह रहा है स्लाइडर की वैल्यू, और देखो हमें क्या है, सारा काम स्लाइडर के अकॉर्डिंग करना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि इनपुट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट को सेट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जीरो पे जब है तो स्लाइडर जीरो पे है, मतलब स्लाइडर जब जीरो पे है तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 0%, मतलब कुछ भी नहीं, आप चाहें तो 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बट अभी क्या है, 0 है एज अ डिफॉल्ट। अब बात आ रही है कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ेगा वो कहाँ से बढ़ेगा, है ना, किस पॉइंट से बढ़ेगा, कैसे, तो टॉप से बढ़ेगा कि मिडिल से बढ़ेगा या बॉटम से बढ़ेगा, है ना, आप सेट कर सकते हो उसमें। सपोज टॉप मैंने सेट कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, टॉप मैंने सेट कर दिया उसमें, तो अब आप देख सकते हैं कि टॉप से किस तरह से बढ़ेगा, ये देखिए जीरो पे क्या है, जीरो हाइट है, मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो पे जीरो है, मैंने क्या बोला था अभी, जीरो पे जीरो है हाइट, मतलब कुछ नहीं, गायब है वो, है ना, बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम स्लाइडर को इंक्रीज करेंगे, स्लाइडर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखो ये ऊपर से मतलब मैंने टॉप सेट किया था ना, तो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज हो रहा है इसका साइज, समझ में आया सबको? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ बेटा, आप लोग भी थोड़ा बोलते रहिए तो मुझे पता चलता रहे कि आप लोग ऑनलाइन, मतलब आवाज आ रही है, ऐसा कुछ कनेक्शन इशू तो नहीं हो गया,
लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है। तो खैर ये हो गया है, अब मैं आगे इससे आता हूँ। नेक्स्ट क्या है ये देख लीजिए, ओके देखिए। तो भाई हाइट तो मैंने दे दिया, अब हाइट में सपोज किसी ने मिडिल सेट कर दिया, ठीक है। अगर सपोज किसी ने मिडिल सेट कर दिया है तो मिडिल से मिडिल को सेट करने से क्या होगा, एक मिनट वेट करिएगा। ठीक है। तो देखिए अगर किसी ने अप्लाई यहाँ पे कर दिया मिडिल, ओके किया मैंने, रन टाइम में आ गए और देखिए जीरो पे क्या है, अब देखिए 20 से हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बात, यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा कि अब जो वेरिएशन हो रहा है हाइट में वो कहाँ से हो रहा है, उसके मिडिल से हो रहा है ना। ये चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इसके मिडिल से हो रहा है चेंजेस। तो ये इतना क्लियर है सभी लोग को, ठीक है। ये तो बात हो गई हाइट की, है ना, समझ में आ गया सबको, हाइट समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको विड्थ बताने जा रहा हूँ, विड्थ वाली प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। टैग नेम एक्सप्रेशन ए दे दिया है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद आपको करना है लेफ्ट करना, अच्छा हाँ देखो जीरो पे क्या है, जीरो विड्थ है, मतलब कोई कुछ भी नहीं है ना। 100 पे जाके वो 100% विड्थ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेंटर से है कि मिडिल से है, कहाँ से है, ये अब आप देख लो। अगर लेफ्ट, आपने लेफ्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए और पूछ लिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत हो पूछ लिएगा। लेफ्ट अगर आपने कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा ये अब मैं आपको ऑनलाइन चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए लेफ्ट पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से। जीरो पे क्या है, खाली है, खत्म है, एकदम कुछ नहीं है। ये देखिए, ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको हाइट और विड्थ के बारे में। अगर सेंटर कर दिया तो क्या होगा, हेलो एनीवन, यस सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक। तो मैंने अगर सेंटर कर दिया तो देखिए क्या होगा, सेंटर से इसकी जो चौड़ाई है वो सेंटर से बढ़ रही है ना, ये देखिए इस तरह से, ठीक। तो ये अभी मैंने सिर्फ अलग अलग प्रॉपर्टी बताई। अगर मान लीजिए सपोज किसी बंदे ने यहाँ पे सेंटर कर दिया, है ना, यहाँ पे मतलब विड्थ में सेंटर कर दिया और हाइट में जाके दे दिया मिडिल, ठीक। इन दिस केस व्हाट यू हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या होगा इस केस में, जीरो मतलब इसका जो लंबाई है चौड़ाई है वो सब एक साथ इंक्रीज होगा, लाइक ऐसा आप देख रहे हैं। जीरो पे देखो बिल्कुल खाली है, खत्म है, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेगा इसका साइज बढ़ रहा है, लेकिन सब एक साथ हो रहा है क्योंकि हमने इसमें हाइट और विड्थ दोनों साथ में दे दी है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको। इससे मैं आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ सभी लोग से, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं इससे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा, कुछ भी कहीं पे कोई दिक्कत आए पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज दिस के सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, सिंबल फैक्ट्री से जाके ट्राइंगल उठा लेते हैं वहाँ से, सिंबल फैक्ट्री में गया और यहाँ से मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल उठा लिया बेसिक शेप एंड साइज, ठीक है। ये देखिए बेसिक शेप में जाके आपने एक ट्राइंगल उठा लिया, ठीक, और ब्रेक्सल किया, ब्रेक्सल किया आपने, ठीक। ब्रेक्सल कहां से करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेल्स में जाके यहां से इसको ब्रेक्सल कर देंगे, ठीक है। अब इस पूरे टैंक मतलब इस पूरे ट्राइंगल को आप आराम से ऐसे पूरे स्क्रीन पर रख लीजिए, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर एक आप बॉल ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो, कोई बॉल के फॉर्म में ऑब्जेक्ट ले, इसका साइज थोड़ा मतलब कलर बदल दिए तो आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी आएगी, इसमें विजिबिलिटी समझ में आएगी कि भाई क्या। ठीक, सबको दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? हेलो एनीवन एवरीवन लिसन? यस सर, यस सर, दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक, ओके फाइन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि इस बॉल को मुझे ट्रायंगल के अंदर चलाना है, बट ऊपर की ओर तरफ मतलब अपवर्ड ले जाना है, और ऊपर जाते जाते इस बॉल का साइज कम हो जाए। ठीक है, क्या करना है देखिए, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इस बॉल को ट्रायंगल अपनी जगह पे फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ मूव करना है, ऊपर की तरफ मूव करना है। ठीक है, और ऊपर जाते जाते इस बॉल का साइज कम हो जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल ऊपर जाके नैरो हो रहा है। ठीक, तो अब इस केस में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगना है। देखो इस स्काडा में एक्चुअली आपको यही सीखना है, यहाँ पे यही सीखना है स्काडा में, कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, कोई टास्क आपको दिया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट में है ना, उस प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया है फिलिंग, पढ़ लिया है लोकेशन, पढ़ लिया है और ऑब्जेक्ट साइज पढ़ लिया है, तो ये जो क्वेश्चन है वो अभी सिर्फ तीन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, मतलब इन्हीं तीन के अंदर, मतलब इसी तीन प्रॉपर्टी में किसी में होगा। ठीक है, ये जो समझ में आ रही है, तो आपको ये दिमाग लगाना है, ये सोचना है, ये लॉजिक लगाना है कि भाई हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये होता है, कोई भी टास्क हो, किसी भी तरह का आपको प्रोजेक्ट मिला हो, आप इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें करना क्या। ठीक, और जब आप ये सोच लेंगे तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, पहले तो उसको ऊपर ले जाना है, यानी कि ऊपर ले जाने का मतलब है इसमें हमने लोकेशन लगाना है, लोकेशन लगाना है, सभी लोग समझ रहे हैं क्या करना है इसमें? कोई थोड़ा कुछ बोलेगा, हेल्प करेगा मेरी, कुछ बोलेगा क्या कर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए? प्रॉपर्टी लगेगी साइज प्रॉपर्टी लगेगी, ऑब्जेक्ट साइज की और लोकेशन की। यहाँ पे मैं आपको देखिए, सबसे पहले एचवी लाइन के थ्रू आप लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है ना। आपने क्या किया, एचवी लाइन लिया, पहले तो हम ये देख ले ऊपर हमें कितना मूव करना है, डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि हमें कितना अप की तरफ जाना है ना। सो यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ एचवी लाइन एंड असाइन 380 हाइट, 380 पिक्सल्स मूव करने हैं फ्रॉम डाउन टू अप। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, मतलब चेक कर लिया 380। ओके, तो बिना कुछ सोचे समझे आप इसमें लोकेशन लगा दीजिए। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी? जीरो से, बिल्कुल वही सारी चीजें हैं, शुरुआत होगी जीरो से, ऊपर जाना है, कितना जाना है? 380, लेकिन कहाँ से? जीरो से, है ना, जीरो से जाना। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर, है ना, इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जब स्लाइडर हमारा जीरो पे है, तो मतलब इनिशियल पोजीशन पे है अपनी जीरो, मतलब जीरो मतलब इनिशियल पोजीशन, जहां पे आपने उसको प्लेस किया है, जहां पे रखा है उसे, ठीक है, मतलब बॉटम पे रखा है। ठीक, और टॉप पे जाना है, 380 जाना है, पिक्सल्स मूव करना है, ऑलरेडी हमने उसमें चेक कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एचवी लाइन, आपने चेक कर लिया है, डिस्टेंस उसका कवर कितना करना है वो आपने मेंशन कर दिया। ठीक, ये आपके सामने जो पेज ओपन है इसके अकॉर्डिंग लोकेशन प्रॉपर्टी हमने लगाई है इस बॉल पे, जो कि बॉटम से आपके तरफ क्या इसमें डिस्टेंस कवर करेगा 380। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, रन टाइम में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल जा रहा है 100%, जीरो पे क्या है? जीरो पे, मतलब जीरो पे क्या है? जीरो है, मतलब अपनी इनिशियल पोजिशन पे है, और 100 पे जाते जाते क्या होगा, इसका साइज
मतलब साइज तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लोकेशन ही चेंज हो रहा है, यानी ऊपर पहुंच गया 100 पे जाके ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ही है कि इसका साइज ऊपर जाते जाते डिक्रीज होता जाए, है ना, रिड्यूस होता जाए कैसे। तो भाई डबल क्लिक करेंगे इसको, हाइट ऑफ विड्थ पता ही हमें, अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, आगे हम लोग, अच्छा अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर ये कह रहा है कि जब स्लाइडर जीरो पे है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे हमें पैरामीटर क्या लग रखनी चाहिए, कोई कुछ हेल्प करेगा, कुछ बताएगा कि स्लाइडर की वैल्यू जीरो पे यहाँ पे क्या होगी और यहाँ पे क्या होगी, कुछ आइडिया। सर मिनिमम हाइट पे जीरो है तो वहां पे 100% होगी, हाइट परसेंट मिनिमम, हाइट परसेंट 100, और मैक्सिमम में जाके हम चेंज कर देंगे, जीरो कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक। क्या होगा यहाँ पे, स्लाइडर जब जीरो पे है तो 100% दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला, जब नीचे हो तो 100% दिखेगा, और ऊपर जाते जाते इसका साइज कम हो जाएगा। आप कम कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, 5% कर दो, 10% कर दो, तो जितना यहाँ पे आप अमाउंट डाल दोगे, जितनी वैल्यू आप पुट कर दोगे, उतना वहाँ पे परसेंट दिखेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे हाइट की। अब मैं बस विथ की बात करने जा रहा हूँ, सेम यही चीज विथ में भी देना, क्योंकि हमें विथ और हाइट दोनों साथ में ही, क्योंकि कम होगी इसलिए हमने क्या किया, दोनों को सेम टाइम पे सेम वैल्यू दे दिया, कोई इशू नहीं है, सेंटर से होगी वो अपने मिडिल से होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, स्लाइडर जीरो पे है तो वो जीरो पे है, मतलब खाली है। आदित्य कहाँ है, सुनो पंकज, आदित्य सर कहाँ है, उधर है मगर में बोल देना, अच्छा बोल दे। जीरो पे क्या है, 100 है, ठीक है, और 100 पे जाके क्या हो रहा है, ये कम हो रही है इसकी। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका आंसर समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट है, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जो अभी प्रोसेस चला है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पैरामीटर क्या दिया है, ये आप लोग चेक कर लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लोकेशन लगाना है। ठीक है, लोकेशन क्या लगाना है, जितना हाइट है यहाँ से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जितना मूव करना है वो 380 मूव करना है, 380 मूव करना है। ठीक है, फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट साइज इसमें लगाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज क्या लगाना है कि हमें जो हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, हमें वैसे ही पैरामीटर भी सेट करने रखिए, है ना, हम जो चाहते हैं इसमें, जैसा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं आपको उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरामीटर देने पड़ेंगे, तभी वो चीज यहाँ पे परफॉर्म होगी, वैसा टास्क होगा। ठीक है, तो भाई मैंने बोला जीरो पे 100 दिखे, क्योंकि यहाँ पे इसको पूरा दिखना, 100% दिखना, क्योंकि कम कहाँ हो रहा है, ऊपर जाके कम हो रहा है ना, ऊपर कब कम हो रहा है, यानी स्लाइडर जब 100 की तरफ जा रहा है, तो जब 100 की तरफ जा रहा है तो देखिए कम कम वैल्यू दे रही, तो वो कम होगा, 100% कम होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, है ना, मिडिल हो जाएगा ये। ठीक है, मिडिल मतलब बीच से होगा, और दोनों आप दे रहे हो तो डायगोनली मतलब पूरी तरह से चारों तरफ से उसका साइज कम होगा अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर, 0 पे 0, 100 पे 100। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई डाउट, any doubt, any question? anyone? hello sir, हाँ सर, अगर सर सर्किल में अगर हम खाली हाइट की प्रॉपर्टी देते हैं तो सर हाइट बढ़ती है उसकी? हाँ बिल्कुल, सिर्फ हाइट पे चेंज होगा, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने विथ हटा दिया यहाँ, ठीक है, विथ को मैंने अनटिक कर दिया, ठीक है, अनटिक करने के बाद सिर्फ हाइट इसमें अप्लाई किया मैंने, ठीक है, मिडिल से, टॉप से, या जैसे भी आप करना चाहो तो वो आप चेंज करके देख सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है कि इसकी जो हाइट ही खाली एस, हाँ ये देखिए सिर्फ हाइट कम हो रही है, विथ नहीं कम हो रही है, विथ उतनी ही है, ऐसा हो रहा है, समझ में आ गया। 5% की जो विथ बची है
विथ तो उतनी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि विथ एक्चुअली विथ तो लगी नहीं है इसमें, तो विथ जितनी थी उतनी ही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, पूरा इसका डायमीटर उतना ही दिखा रहा है ये, ठीक है। तो सिर्फ क्या हो रहा है, हाँ विथ खाली कम हो रही है। तो अगर आप मतलब जैसा प्रॉपर्टी, अब जैसे मान लो आप चेंज करके, अगर मान लो सपोज किसी ने ऐसा कुछ सोचा कि नहीं हमें सिर्फ विथ वाली लगाना है, तो आप विथ वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या होगा, सिर्फ विथ में ही हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ विथ चेंज हो रही है, ये देखिए ऐसा, ठीक है। एनी अदर डाउट? नो सर। ओके ठीक है, तो मैं अभी आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। दिया मैंने अलग नहीं दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एज अ असाइनमेंट, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, समझ लीजिएगा, और कल मैं इसका आप लोग को जो है आंसर बताऊंगा। आप लोग के लिए टास्क एक तरह से ये मैं समझा दूंगा करना क्या, बट आप लोग करिएगा अपने 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 आप से ही करिएगा, ठीक है। तो मैं साइड में ही बना देता हूँ। देखिए आपको एक पुली सिस्टम बनाना है, पुली, ठीक है, पुली है, पुली के लिए आपने इसे सर्कल ले लिया, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रोप, यहाँ पे दो रोप है, यहाँ पे इस तरह से दो रोप के थ्रू यहाँ पे कोई वेट आप यहाँ पे ले लो, वेट ले लो यहाँ से, आप कोई वेट लटका दो इसमें से, बांध दो इससे, ये हो गया। और एक और यहाँ पे वेट ले लो, ये क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन कैसे करना है, मैं समझा देता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूँ, तो भाई ये देखिए क्वेश्चन ही आपके सामने है, ये पुली सिस्टम है, थोड़ा चाहें तो उसको आप बड़ा कर सकते हैं, साइज वाइज उसका बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना बस ये है, जैसे बैलेंस, जैसे आजू की तरह, मतलब लाइक बैलेंस की तरह इसको कंट्रोल करना है, मतलब इसको जैसे वेट मशीन पे होता है, आपने देखा होगा जो पुराने वाले तराजू होते हैं उसकी तरह इसको डिजाइन करना, पुली सिस्टम कहते हैं, जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं रस्सी के थ्रू, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो इसको आपको करना है, क्या करना है, स्लाइडर जब जीरो पे हो, है ना, तो स्लाइडर की वैल्यू जीरो पे हो तो आपको कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज में लगाना है कि एक वेट हमारा यहाँ ऊपर हो और दूसरा वेट अपना यहाँ पे हो, ठीक है, जीरो पे, एट जीरो पे। आप डिजाइन ऐसे ही करोगे, बना ऐसे ही रहेगा, ऑफलाइन ऐसे ही बनाना, लेकिन लेकिन आप उसमें जो प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी असाइन करेंगे कि वो एक ऊपर यहाँ होना चाहिए और दूसरा हमारा यहाँ नीचे होना चाहिए, ठीक। जब हम स्लाइडर को मतलब 100 की तरफ ले जाएंगे तो जो ऊपर वाला है वो नीचे की तरफ वेट आएगा और जो नीचे वाला वेट है वो ऊपर की तरफ आएगा। और पुली में कोई चेंज नहीं है, पुली तो अपने यहाँ पर फिक्स रहेगी, बट ऐसा आप अज्यूम करोगे, आप ऐसा आपको लगेगा एनिमेशन के, मतलब एक ऊपर जा रहा है तो साथ में दूसरा नीचे आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, लॉजिक लगाने की कोशिश करिएगा, ये आप लोग के लिए एज अ टास्क है ये, क्योंकि ये जब आपके दिमाग में रहेगा तो आप लोग सोचोगे कि भाई क्या कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी सोल्यूशन में इसका कल बताऊंगा, तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। एवरीवन एनी डाउट? अभी 5 मिनट हैं, 5 मिनट में अगर आप उसमें कोई डाउट वगैरह आपके हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी तरह का, समझ में आ रहा है सबको? हेलो एवरीवन, एनीवन? यस सर, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा सा इस पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन को कोशिश करिएगा कि हो जाए, क्वेश्चन बस करना ही है कि स्लाइडर जीरो पे हो, कराना है कि खाली ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। देखिए रोप के साथ ऑब्जेक्ट भी आपको एकदम लगना चाहिए, रियल रियल होना चाहिए ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, साथ में रस्सी भी तो मूव करेंगी ना, है कि नहीं? तो आप ऑब्जेक्ट के साथ साथ, रस्सी के साथ साथ ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और रस्सी के साथ साथ ऑब्जेक्ट नीचे आएगा रोप के साथ में,
लाइक फुली फुली समझ रहे हो ना भाई, बाल्टी बंधी है, बकेट बंधी हुई है रोप में, तो क्या होगा, बकेट रोप के साथ ही तो ऊपर नीचे आती है ना, तो आपको वैसा डिजाइन करना है, ठीक है, बिल्कुल मतलब आपको लगे रियल, रियल लगना चाहिए, ठीक है, एनिमेशन जो आप बनाओगे इसमें वो आपको रियल लगना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, इस पर थोड़ा सा सोचिएगा, विचार करिएगा, ठीक है। सभी लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मैं मीटिंग फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है, हेलो आवाज आ रही ना? नो सर, यस सर, यस सर, ओके ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर सब लोग के इंस्टॉल हो गए हैं, डाउनलोड हो गए हैं, ठीक है, नहीं हुए तो भाई बता दिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।